Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका इन बिजनेस न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर आज बहुत अहम दिन है। काहिरा में आज शांति सम्मेलन होगा, इसमें युद्ध को लेकर बातचीत होगी। अमेरिकी जज ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर $5,000 का जुर्माना लगा है क्योंकि उन्होंने कैंपेन वेबसाइट डेरोगेटरी पोस्ट की थी। ब्रसेल्स में दो स्वीडिश फुटबॉल प्रशंसकों की हत्या के 4 दिन बाद बेल्जियम के न्याय मंत्री विसेंट वान क्लिकेनबोर्ड ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की आज वतन वापसी होगी। वो दुबई से स्पेशल फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज पिछले 4 साल से लंदन में डेरा डाले हुए थे। हमास ने अमेरिकी माँ बेटी को रिहा कर दिया है। अभी भी उसने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा है, इनमें कई देशों के लोग शामिल हैं। हैदराबाद के नारायणगुड़ा में श्रीनिवास बॉयज हॉस्टल में आग लग गई। घटना के वक्त हॉस्टल में करीब 15 से 20 लोग मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ता बिरजू तारम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। महाकौशल और विंध्य में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए यहां वो पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां ऐतिहासिक ग्वालियर फोर्ट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कनाडा ने मुंबई में अपना वीजा और काउंसलर एक्सचेंज बंद किया है। वीजा के लिए हेड ऑफिस दिल्ली से ही प्रक्रिया होगी। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार को सेंसेक्स 0.35% गिरकर 65,397 पर था और निफ्टी 0.42% गिरावट के साथ 19,500 पर बंद हुआ था। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस द्वारा 300 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स जब्त किए जाने का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर राज्य में मादक पदार्थ माफिया को बचाने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि गिरफ्तार ड्रग डॉन ललित पाटिल शिवसेना यूपीटी नेता था जो पहली बार दिसंबर 2020 में पकड़ा गया था। मुंबई में साकीनाका पुलिस ने सचिन राव साहेब वाघ को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर उस समय ललित पाटिल के साथ था जब वह 2 अक्टूबर को अस्पताल से फरार हुआ था। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के 50 गांव के लोगों ने नेताओं के गांव में प्रवेश कर रोक लगा दी है। हार्दिक पांड्या चोटिल होने की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच का हिस्सा नहीं होंगे। हार्दिक के बाहर होने से टीम इंडिया की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 2 मैचों में हार के बाद लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेंगलुरु में पाकिस्तान को 62 रन से हराते हुए वापसी का सफर बरकरार रखा। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म लियो ने सिनेमाघरों में जमकर बवाल काटा हुआ है। फिल्म ने रिलीज के साथ ही अपनी पकड़ बनाई हुई है। विजय की लियो अब तमिल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 के पहले गाने का टीजर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। गाने का नाम है लेके प्रभु का नाम। गाने को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज। नमस्कार।